कराची के अंदर एक तो साहिली मकामों पे मछली के सड़ने की जैसी बू है और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्थ नाज़िमाबाद और अजीज़ाबाद की साइड से भी आई हैं, जो कि वो जैसे तार जलते हैं तो वो उस तरह की है। सो ये दो अलग अलग हैं और बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। तो जो समंदर पे जो क्या होता है कि समंदर की लहरों के साथ साथ पूरे साल मुख्तलिफ जानवर और आबी हयात जो है ना वो साहिल पे आके और यानी आप समझे कि वो हमें पड़ी हुई मिलती है और वो एक सीजन्स के साथ साथ वो चेंज होता है, ठीक है। सो तो वो एक पूरे साल का सिलसिला रहता है, हर रोज़ नई चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो उसके अंदर अभी जो मौसम था यानी मानसून का जो सीज़न गुजरा है, तो उसके बाद हवा जो है वो एकदम साकित हो गई है। मानसून की हवा जो समंदर से तेज़ आती है वो रुक चुकी है। इसमें अब जो चीज़ें आबी हयात जो समंदर के साहिल पे आई हैं वो यानी टेम्परेचर गर्म होने की वजह से अक्टूबर में जैसा कि हर साल होता है तो उसके अंदर वो सड़ने लगी। सो उसकी बू इतनी ज़्यादा थी कि वो आसपास के सारे इलाकों में फैल गई। सो ये तो वो समंदरी जो बदबू है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये बदबू जो है मतलब ये भी एयर क्वालिटी का हिस्सा है, यानी कि ये वो वाली एयर क्वालिटी नहीं है जो PM 2.5 वाली है, लेकिन ये हवा की खराबी है कि इसमें बदबू मौजूद है। तो सब लोग जो हैं वो उससे परेशान हैं। अच्छा, दूसरी जो है बदबू जो कि यानी आप समझें कि अंदर की तरफ यानी कि साहिल से दूर जो अजीज़ाबाद नॉर्थ अजीज़ाबाद की तरफ थी, उसका ताल्लुक अब हम उसको यानी आंखों देखा तो नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि पुलों के नीचे जो है वो बड़ी तादाद में कचरा जमा भी किया जाता है और फिर उसको जलाया भी जाता है। और ये इसका स्केल कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है और अगेन समंदर की हवा ना होने की वजह से मानसून का सीज़न जो गुजर चुका है उसकी वजह से हवा साकित हो जाती है। तो ये धुआं उड़ नहीं जाता, ये वहीं का वहीं उसी इलाके में फैल जाता है और वो हमें फिर बुरा महसूस होता है। तो एक तरफ जो है वो जहाँ धुआं है तो वो उसमें से जहर निकल रहा है और जो समंदर वाली है जो वो सड़ रही है यानी मछलियाँ हैं, शेलफिश हैं, दीगर यानी ना नज़र आने वाले यानी माइक्रोब्स हैं, इस तरह की प्लैंकटन वगैरह हैं, तो वो फिर सड़ते हैं जब है तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है, तो वो इन्फेक्शन फैलने का उसमें होता है। प्लैंकटन जो हैं ये इतने छोटे होते हैं कि आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन ये मछलियाँ वगैरह इसको खाते हैं और ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं और ये नॉर्मल आबी हयात पूरे सारे ओशंस में मौजूद होते हैं। तो ये भी आप समझें कि समंदर के साथ साथ पानी के साथ साथ ये आते हैं और फिर साहिल पे पड़े रहते हैं। इसमें एहतियात यही है कि समंदर पे आप जाएं तो जो कीड़े और चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं आप उनसे ज़रा दूर रहें, फासले पर रहें, और क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा है। और वैसे भी आपको पता है कि इस वक्त में चिकनगुनिया और दीगर जो वायरल इन्फेक्शन हैं वो इसी सर्दी के मौसम में फैलते हैं, तो इसका भी या आप कहीं और हों या सड़क पे हों, क्योंकि 60% जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो ट्रैफिक का धुआं ही होती है। 60% ये हमारी अपनी स्टडी है और इसलिए आप समझें कि सबसे ज़्यादा जो हवा ख़राब होती है वो रोड पर ही होती है। जो लोग रोड पर काम करते हैं या पूरा दिन सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं या ठेला लगाते हैं, तो उन लोगों को सबको मास्क पहनना चाहिए। तो ख़ास तौर पे जब आप रोड पे हैं या बाइक चलाते हैं तो मास्क ज़रूर पहने। इसी तरह से अगर उस इलाके में जिसमें आप हैं उसमें यानी इस तरह की बदबू है जैसे कि मछली सड़ रही है, तो उस इन्फेक्शन से यानी वो भी माइक्रोब्स हैं ना, तो वायरस है, बैक्टीरिया है, तो वो आपका मास्क जो है आपको बचाएगा। मेरे ख्याल है चंद दिन में जो है ना वो बराबर हो जाता है, जो चीज़ डिकम्पोज हो रही होती है तो वो चंद दिन में जो है वो ख़त्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है जिसे कहते हैं। तो वो और बैक्टीरिया भी जो है वो या तो समंदर की अगली लहर आएगी वो उसको ले जाएगी, तो वो एक सफाई का नेचुरल अमल है, वो हो जाएगा।